कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते रहते हैं। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ कोना और अर्क का अर्थ सूर्य होता है। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा किया गया था और यह सूर्यदेव सूर्य को समर्पित था और यह सूर्यदेव को समर्पित था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके इस रोग का भी निवारण कर दिया था। तब सांब ने सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्मित किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक विशाल संगम है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाने में 1200 कारीगरों की मदद ली गई थी। चूंकि गंग वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा है। आज जो मंदिर मौजूद है, वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण बच पाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।